नमस्कार दोस्तों, मैं रितेश आप सबका स्वागत करता हूं क्रिएटिव लर्निंग के चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप मैक्रो कैसे अनेबल कर सकते हैं अपनी एक्सेल की वर्कबुक में, क्योंकि दोस्तों जब हम वीबीए का कोड एग्जीक्यूट करते हैं तो हमें कई बार मैक्रो कंपाइल एरर मिलती है। तो इसके लिए हमें करना पड़ता है एक्टिवेट अपनी एक्सेल की वर्कबुक में मैक्रोस। तो जो आज मैं आपको तरीका बताने वाला हूँ उससे आप मैक्रोस परमानेंटली अनेबल कर पाएंगे। तो इसके लिए दोस्तों सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने जाना है यहाँ पे ऑफिस बटन में। ऑफिस बटन में जाने के बाद आपको यहाँ पे मिल जाएगा एक्सेल ऑप्शन। अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ माइक्रोसॉफ्ट 2007। वैसे अगर आप और कोई भी ऑप्शन या और कोई भी वर्जन यूज़ कर रहे हो तो सिंपली आपने ऑफिस बटन में जाके यहाँ पे एक्सेल ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। सिंपली आपने यहाँ पे जाना है, वो है हमारा ट्रस्ट सेंटर। जैसे कि आप देख सकते हैं आपने यहाँ पे ट्रस्ट सेंटर यहाँ पे लिखा हुआ है। तो सिंपली आपने यहाँ पे ट्रस्ट सेंटर पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आपने यहाँ पे जाना है ट्रस्ट सेंटर सेटिंग पे। तो सिंपली आपने इस पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको अगेन काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। तो आपने सिंपली एक्टिवेट करना है अपनी वर्कबुक में मैक्रोज। तो मैक्रोज अनेबल करने के लिए आपको जो ऑप्शन एक्टिवेट करना है वो है हमारा मैक्रो सेटिंग्स। और मैक्रो सेटिंग्स पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा अनेबल मैक्रोज। तो सिंपली आपने इस ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इसमें क्या होता है कि अनेबल ऑल द मैक्रोज, मतलब जितने भी डिसेबल्ड मैक्रोज होंगे तो वो सारे हम आपके अनेबल हो जाएंगे। उसके बाद आपने एक सेटिंग और कर लेनी है, आपने जाना है यहाँ पे एक्टिव एक्स सेटिंग पे और आपने इसको भी यहाँ पे अनेबल कर लेना है। तो जब आप इसको अनेबल कर लेंगे तो कभी भी आपको दिक्कत नहीं आएगी और कभी भी आपको एरर नहीं आएगी मैक्रोस की। ये करने के बाद सिंपली आपने प्रेस कर देना है ओके, और उसके बाद अगेन यहाँ पे आपने ओके प्रेस कर देना है। इसके बाद आपने अपनी फाइल को सेव कर लेना है। तो सिंपली हम यहाँ पे जाते हैं ऑफिस बटन में और इसको कर लेते हैं सेव एस। सेव एस पे जाने के बाद आपने जहाँ पे भी फाइल सेव करनी है, लेट से हमने डेस्कटॉप पे सेव करनी है, लेट से 222 के नाम से, और उसके बाद आपने सेव कर लेना है यहाँ पे मैक्रो अनेबल्ड वर्कबुक। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे यह है हमारा एक्सेल मैक्रो अनेबल्ड वर्कबुक। इस फॉर्मेट में आप तभी सेव कर पाएंगे जब आप अपनी फाइल में मैक्रो अनेबल कर देंगे, जो स्टेप्स मैंने आपको बताए हैं। उसके बाद आपने इसको क्लिक कर देना है सेव। तो जैसे ही आप सेव कर लेंगे ये वाली फाइल आपकी सेव हो जाएगी डेस्कटॉप पे। और जैसे कि आपको पता है मैक्रो अनेबल वर्कबुक का जो साइन होता है वो होता है आपका एक्सक्लेमेशन मार्क। जब आपका ये वाला साइन के फॉर्मेट में जब आपकी एक्सेल की फाइल सेव हो जाएगी, इसका मतलब है आपकी फाइल सेव हो गई है मैक्रो अनेबल वर्कबुक में। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो रही होगी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। अंटिल देन गुड बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।